सत्ता में गजब का नशा होता है। इसका सुरूर जब सल चढ़कर बोलता है तो सबसे पहले जुबान कड़वी हो जाती है और गुलाबों से भी कांटे झड़ने लगते हैं। राज्य मंत्री गुलाब देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी बेटी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है। अपनी लाडली को जिताने के लिए वो साम दाम धन भेद का सारा ले रही हैं। वोटरों को सरेआम लालच दे रही हैं, धमका रही हैं। हद तो तब हो गई जब गुलाब देवी ने वोट ना दिलाने पर ग्राम प्रधान को जेल में जिंदगी कटवाने की धमकी दे डाली। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने प्रधान और डीलर को दी धमकी। बेटी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए सरेआम धमकाया, वोट नहीं दिलाया तो जेल में काटोगे पूरी जिंदगी। चुनाव आयोग इस मामले में लेगा संज्ञान। धमकीबाज राज्य मंत्री पर होगी कार्रवाई। पहले प्यार और मनुहार, और जब इतने से भी काम नहीं चले तो धमकी। वाकई राजनीति हर पल रंग बदलती है। राज्य मंत्री गुलाब देवी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। उनकी बेटी साक्षी सिंह संभल जिले के वार्ड 11 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। अपनी बेटी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, गुलाब देवी ने मंच से सत्ता का डर दिखाते हुए मतदाताओं को खुलेआम धमकाना शुरू कर दिया। राज्य मंत्री गुलाब देवी के धमकाने का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो बेटी साक्षी सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए लहराक मंगर गांव पहुंची थी, जहां उन्होंने मंच से खुलेआम ग्राम प्रधान और राशन डीलर को धमकी दी। उन्होंने चेतावनी दी कि ये ग्राम प्रधान औकात में आ जाए, नहीं तो जिंदगी जेल में कटेगी, और प्रधान और राशन डीलर की जांच करवाऊंगी। ये प्रधान या तो अपनी औकात में आ जाए और नहीं तो जिंदगी भर जेल में जाएगा। गुलाब देवी ने अपने मंत्री होने का भी हवाला देते हुए लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी चुनाव में जीत कर मेंबर बन जाती है तो इसकी माँ मंत्री है, ये जितना चाहेगी उतना विकास कराएगी। ये ऐसा चुनाव नहीं है जिससे कि तुम मुलायम सिंह या मायावती मुख्यमंत्री बन रहे। ये तुम्हारे विकास का चुनाव है, ये तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका चुनाव है। अरे जिसकी माँ मंत्री हो, जिसकी माँ विधायक हो, कैसी विकास करवाए। अब देखना है कि चुनाव आयोग मतदाताओं को धमकाने वाली इस मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, और सीएम योगी अपने इस धमकीबाज मंत्री को क्या नसीहत देते हैं, क्योंकि अगर समय रहते इन नेताओं की जुबान पर ताला नहीं लगाया गया तो आगे वो और भी जहर उगल कर माहौल को खराब करेंगे। संभल से समाचार प्लस के लिए अभिनव माथुर की रिपोर्ट।